हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं कर रही हूँ हठषष्ठी माता का पूजा, जो कि हर माँ अपने बेटे के लिए करती है। और ये पूजा जन्माष्टमी के दो दिन पहले आती है, छठी को आती है, छठ को। तो इसका नाम है हठषष्ठ, और इसके लिए मैंने चौकी रख दिए और चौक पूरा है। और ये देखिए हठषष्ठ माता की फोटो है। और ये जो बड़ और सूप वगैरह जो भी होता है, ये पत्ते बड़ के और कांस वगैरह, इनकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर मैंने तैयारियाँ कर ली है और एक केले का पत्ता ले लिया है, उस पर मैंने ये हठषष्ठ माता की तस्वीर बनाई है। इसमें चांद, सूरज, बच्चे खेलते हुए और भी कई चीज़ें बनती हैं। तो पूरा तो मुझे आता नहीं है, इसलिए मुझे जो जो समझ में आया मैंने बना लिया। और फ्रेंड्स, ये पूजा मतलब करनी ही चाहिए, इससे बच्चों की आयु लंबी होती है। और हर माँ करती है, अपने लड़कों के लिए किया जाता है, लड़कियों के लिए नहीं किया जाता है। तो ये मैंने चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके केले के पत्ते पर भैया फ़ोटो बना ली है। अब मैंने तैयारी कर ली है अपनी, तो मैं दिखाती हूँ मैंने थाली कैसे सजाई है। यहाँ पर मैंने कलश लिया है और जल लिया है अलग से, और फूल लिए हैं, पान का पत्ता है, सुपारी है, कच्चा दूध लगता है, दही भी है, दूसरी कटोरी में रखा है, अभी मैं दिखाऊँगी। और यहाँ पर लौंग, इलायची, जनेऊ, सुपारी, कपूर, दिया बाती, चंदन, कुमकुम, हल्दी, और जो देवधान वाले चावल होते हैं वो भी लिए हैं, महुआ लिया है, राखी ली है, राखी भी बांधी जाती है। और यहाँ पर लिया है मैंने सूत, जो बोलते हैं जिसे जनेऊ वगैरह भी बोलते हैं, वो लिया है, कच्चा सूत लिया है, दूबा ली है, फूल लिए हैं, फूल भी और भी हैं मेरे पास अलग से, और भी मैंने धूपबत्ती दिया, जो भी पूजा में आइटम लगते हैं, पैसा वगैरह वो सब लिया है। और फ्रूट वगैरह मैंने ले लिए हैं, तो दो ही फल मिल पाए मुझे, एक तो नारियल और एक केला, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पर हमारे इधर अभी लॉकडाउन चल रहा है। और ये दोनों जो कि बढ़ के पत्तों के बनाए जाते हैं, ये लिए हैं। और कटोरी अलग से लेकर रखी है, आम के पत्ते हैं जो कि कलश के कलश में स्थापित होंगे। और कटोरी में भी मैं जो प्रसाद भरा जाता है वो मैं भरूंगी, तो उसके लिए मैंने बना करके रख लिया है सामान। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से मेरी तैयारी हुई है। और मैंने सुहाग के सामान के लिए, मेरे पास साड़ी तो नहीं थी, तो मैंने ब्लाउज पीस ले लिया है। और यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं आप, सुहाग के लिए भी चढ़ाना पड़ता है, तो मैंने बिंदी और चूड़ियाँ और बिछियाँ वगैरह ले ली है, नेल पॉलिश, और सुहाग का जितना भी सामान लगता है वो आप ले सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। और यहाँ चुनरी वगैरह भी ले ली है, ये देख सकते हैं आप। तो ये सुहाग में चढ़ाना रहता है देवी जी को। और फ्रेंड्स, यहाँ पोथी है, किताबें हैं, और ये जो है ये इसमें मक्का है और चना है, और इसमें जवारे भी रहते हैं, चना, जवारे, मक्का, महुआ, पांच छह प्रकार के अनाज रहते हैं जिन्हें एक मिक्स हो जाता है, जिन्हें मिक्स करके यूज़ करना रहता है। और ये है पंचामृत, जो दही और पंचमेवा वगैरह मिक्स करके बनाया है मैंने। और ये कलश स्थापित करूँगी उसके लिए है, चौकी वगैरह है, फूल हैं, इसमें दूबा है, बिलपत्र हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताती हूँ मैं किस तरीके से पूजा करती हूँ। तो उसके लिए मैंने तैयारी तो पहले ही कर ली थी, अब चलिए पूजा करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चौकी रखूंगी छोटी वाली कलश स्थापित करने के लिए, तो उसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था और साफ करके रखा है। और उस पर मैं छिड़कूंगी जल, जो कि गौमूत्र और गंगा जल मिक्स है। अब मैं यहाँ पर थोड़े से गेहूँ रखूँगी, गेहूँ रखने से पहले उस पर एक छोटा सा कपड़ा बिछा लूँगी, जिससे कि बाद में दिक्कत ना आए। इस पर थोड़ा सा कपड़ा बिछाना जरूरी रहता है लाल कलर का, क्योंकि चौकी के ऊपर लाल कपड़े पर ही कलश को स्थापित किया जाता है। इसमें मैं कलावा बांध दूँगी और बस इसे स्थापित कर दूँगी। इसके अंदर मैं एक सिक्का और एक फूल डाल दूँगी, इसके अंदर सुपारी भी डलती है, तो आप चाहें तो सुपारी भी डाल दें, नहीं तो हल्दी का एक टुकड़ा डाल दें। तो मैंने यहाँ डाल दिया है और अब मैं इस पर स्थापित कर दूँगी। ये देखिए, अब करते हैं हम पूजा स्टार्ट। तो पूजा स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले मैं गणेश जी को स्थापित करूँगी। कलश की स्थापना हो चुकी है, सबसे पहले कलश ही स्थापित किया जाता है। और अब मैं पान का पत्ता बिल्कुल साफ सुथरा लूँगी, जिसे धोकर के मैंने रखा था, उस पर मैं एक सिक्का रख दूँगी, थोड़े से चावल जो कि मैंने जो देवधान वाले चावल होते हैं उन्हें रखा है, और एक सुपारी रख दी है। सुपारी को ही गणेश जी माना है मैंने, क्योंकि जब भी मैं पूजा करती हूँ तो पैसा सुपारी की गणेश जी ज़रूर बनाती हूँ। तो बस, और गंगा जल का मैंने छिड़काव कर दिया है, ये देख सकते हैं आप। और सभी चीज़ों पर गंगा जल का छिड़काव करने के बाद हम पूजा स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करूंगी, गणेश जी को कुमकुम, रोली और अष्टगंध वगैरह चढ़ा दूंगी, जनेऊ पहना दूंगी, जनेऊ पहनाना बहुत ज़रूरी रहता है गणेश जी। तो फ्रेंड्स, जनेऊ चढ़ाने के बाद बेलपत्र और फूल वगैरह चढ़ा देंगे, और साथ में हम सुपारी पे लौंग, इलायची भी चढ़ाते हैं, तो चढ़ा दें, पंचमेवे हों तो पंचमेवे चढ़ा सकते हैं। इसके बाद मैं दिया जला लूँगी, उस दिया जलाने के बाद में मैं इस पर फूल चढ़ा दूंगी। फूल में थोड़ा सा इत्र चढ़ाना ज़रूरी रहता है, क्योंकि भगवानों को जो इत्र होता है बहुत सुगंधित चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, तो मैं एक फूल में इत्र लेकर के चढ़ा दूंगी। तो पहले मैं दिया, धूपबत्ती वगैरह जला लेती हूँ अच्छी तरीके से,
और फिर मैं ये इत्र है, ये जो नॉर्मल हम सामान लेने जाते हैं वहाँ मिल जाता है पूजा पाठ के सामान की दुकान पर, तो अच्छा वाला इत्र लें भगवान के लिए, अच्छे से सुगंधित इत्र लें, उसे ही चढ़ाएं। तो बस मैं फूल में लगा करके चढ़ा दूंगी। अब मैं करूंगी कलश की पूजा, तो कलश की पूजा के लिए भी वही विधि है, पहले तिलक कर देंगे पानी छिड़क करके, और फिर हम फूल और जो भी चीज़ें हैं चढ़ा देंगे। तो मैं फूल चढ़ा देती हूँ, पलावा होता है वो चढ़ा दूंगी। मेरे पास चुनरी एक्स्ट्रा नहीं थी तो वो नहीं चढ़ाई मैंने। अब यहाँ पर मैं हरछट माता की फ़ोटो की पूजा करूँगी सबसे पहले, तो फ़ोटो को जल छिड़क करके मैंने तिलक कर दिया है, चुनरी उड़ा दूंगी मैं। तो बस ये देखिए चुनरी उड़ा दी है मैंने, और यहाँ पर मैं फूल वगैरह चढ़ा दूंगी। इसी तरीके से सारी जैसी मैं पूजा करती आ रही हूँ, पहले फूल में सारा कुमकुम वगैरह लगा करके और जो इत्र है वो भी लगा करके मैं चढ़ा दूंगी। और उसी फ़ोटो में शिव जी भी बने हुए हैं, तो सारे भगवानों की वहाँ पे फूल सबके हिसाब से चढ़ा दूंगी मैं, और शिव जी के हिसाब से वहाँ पे बेलपत्र और जो शिव जी को फूल चढ़ते हैं वो वाले फूल भी मैं चढ़ा दूंगी। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैं पूजा करती हूँ। और बस ये सब चढ़ाने के बाद में अब मैं ये जो पत्ते होते हैं इनकी भी पूजा करूँगी, जो कि कांस और बड़ के पत्ते हैं। तो इनकी पूजा करने के बाद में, और इस पूजा में मैं पूरी डिटेल में बातें बता रही हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लग जाएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। और यहाँ पर मैं जो पत्ते पर मैंने हरछट माता की तस्वीर बनाई थी वो भी, उसकी भी पूजा करूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैं वहाँ उनको भी चुनरी चढ़ा दूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैं इनको भी इत्र लगाऊँगी, इत्र बहुत अच्छा माना जाता है, भगवान प्रसन्न होते हैं इत्र वगैरह लगाने से, तो इस तरीके से मैं लगा दूँगी। और यहाँ पर मैं शमी के पत्तियाँ भी, शमी की जो पत्तियाँ होती हैं वो भी चढ़ा दूंगी मैं। और यहाँ पर मैं सुहाग का सामान है जो हरछट माता के लिए मैं लेकर के आई थी वो भी चढ़ा देंगे। तो इस पर भी मैं तिलक वगैरह करके फूल वगैरह रख करके फिर मैं चढ़ा दूंगी। तो ये देखिए यहीं साइड में मैंने रख दिया है सुहाग का सामान। अब आगे की पूजा मैं बताती हूँ। कच्चा दूध लेंगे हम, और कच्चे दूध से यहाँ पर 7 बार इस तरीके से करेंगे। और देखिए महुआ वगैरह होता है वो भी यहाँ पर भोग लगता है, तो महुए का भी भोग लगा दिया है मैंने। अब जो 7 इसमें बच्चे बनाए थे, 6 या 7 जो भी बनते हैं उन पर भी तिलक कर देंगे, पंचामृत बना के रखा है, तो उसको भी मैं भोग में लगा दूंगी। एक फूल में लेकर के इस तरीके से लगाना रहेगा, बाकी तो पूरा भोग में लगाया ही है। और ये देखिए ये जो मैंने पंचमेवा बना करके रखा है इसको भी मैं दोनों में भर लूँगी और कटोरियों में भर लूँगी। तो ये देखिए, तो यहाँ पर मैं कटोरियों को अलग अलग करके इनमें थोड़ा थोड़ा भर लूँगी, और फिर इन दोनों को भी जमा करके रख लेती हूँ, इनमें भी भर दूँगी। ये भरना बहुत ज़रूरी रहता है और बच्चों में बांट देना चाहिए, ताकि बच्चों को ये प्रसाद के रूप में दे दें हम, और ये बच्चे ही खाते हैं अधिकतर। और जो लोग, जिन लोग के घर के आसपास बच्चे नहीं हैं वो खुद भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ना खाएं, सब लोग खा सकते हैं। और इसका व्रत रखा जाता है तो उसी दिन नहीं खाएं, दूसरे दिन खा लें, और बाकी बड़ों को भी बांट सकते हैं ये, ऐसा कुछ नहीं है कि आप छोटे बच्चों को ही दें। और फ्रेंड्स इस तरीके से मेरी, मैंने भोग लगा दिया है, उस पर कच्चा दूध भी छिड़क दिया था और दही भी, क्योंकि दही और कच्चा दूध का बहुत महत्व है। और यहाँ पर मैंने बच्चों के खिलौने भी रखे हैं, क्योंकि ये व्रत बच्चों के लिए रखा जाता है तो बच्चों की सारी चीज़ें होनी चाहिए, इसलिए बच्चों के खिलौनों की भी पूजा करी है। और यहाँ पर मैंने पोथी भी पढ़ ली है, ये देख सकते हैं, इसकी एक लंबी सी कहानी है जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा बुक से, इसकी पुस्तक अलग से मिल जाती है। अब मैं हवन कर रही हूँ यहाँ पर, ये देखिए गुड़ और महुए और घी का मिक्सचर बना करके इसका हवन किया जाता है। और यहाँ पर मैं अपने बेटे को राखी बांध रही हूँ, क्योंकि आज के दिन राखी भी बांधी जाती है बेटों को, एक सूत की, अगर राखी ना हो तो आप कच्चा धागा जो होता है वो भी बांध सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूजा संपन्न होती है। अब फ्रेंड्स हम इस आरती कर लेंगे, इसमें सबसे पहले गणेश जी की आरती करूंगी और फिर शिव जी की आरती करूंगी, उसके बाद हमारी पूजा कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप नारियल वगैरह फुड़वा करके बच्चों में प्रसाद बांट दें, तो इस तरीके से ये पूजा संपन्न हो जाती है। और ये पूजा बहुत ही फलदायक होती है, बच्चों की लंबी आयु के लिए होती है, तो आप लोग इस व्रत को जरूर रखें। और भोग में मैंने केले वगैरह भी चढ़ा दिए थे फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं पूजा करती हूँ। अगर आप लोगों को दिल से ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए आए हों मेरे चैनल पर, पहली बार आए हों, वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स इसी तरह नए नए वीडियोस के साथ मैं मिलती रहूंगी आप लोगों से, लेती हूँ तब तक के लिए इजाज़त, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।